हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, वेस्ट बंगाल की एक एजुकेशन पॉलिसी आई है G20 के बाद, G20 के दिन ही, बाद नहीं, साथ के साथ इन्होंने अपने एक एजुकेशन पॉलिसी निकाला है। तो चलिए देखते हैं क्या है। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ स्टेट एजुकेशन पॉलिसी 2023 रिकमेंडिंग बांग्ला, बांग्ला उनका जो लैंग्वेज है, एज अ सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ थ्री लैंग्वेज फार्मूला फॉर क्लास 5th to 8th। तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला मेरे हिसाब से इंग्लिश होगा, हिंदी होगा एंड बांग्ला होगा। द पॉलिसी टेक्स नोट नोट ऑफ द फेडरल स्पिरिट ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्स टू अवॉइड ओवर सेंट्रलाइजेशन इन एजुकेशन। द कमिटी ऑल्सो रिकमेंड्स दैट बांग्ला एज अ सब्जेक्ट में बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्लास 1 to 10 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अदर मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अ सुटेबल करिकुलम एंड सिलेबस मे बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंगली। वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट स्टेट्स द पैनल कंसल्टेड वेरियस एजुकेशन पॉलिसीज इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एंड द रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट ऑन द टास्क फोर्स ऑफ NEP इम्प्लीमेंटेशन इन महाराष्ट्र एंड द रिपोर्ट ऑन NEP बाय केरला। द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला फॉर क्लास 5 to 8 ले स्ट्रेस ऑन द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट। इट इज सजेस्टेड दैट द फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग वुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। मतलब ये जो होगा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा आपके स्कूल के। एग्जाम्पल, नेपाली इन नेपाली मीडियम स्कूल, संथाली इन संथाली मीडियम स्कूल, राजबंशी इन राजवंशी मीडियम स्कूल, बंगाली इन बांग्ला मीडियम स्कूल, यही होगा। वेस्ट बंगाल ऑन May 31, 2023 हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल एक्सेप्ट NEP पर्टिकुलरली इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज रन एंड एडेड बाय state government. However, in school education, the government differed on various fronts, including the necessity of having a class 10 board examination, madhyamik examination. The three language policy is in tune with NEP. Chief Minister Mamata Banerjee also stressed on the three language formula and student learning Bangla. पहली बात तो ये ममता बनर्जी क्यों है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, मेरे को तो इतनी बेवकूफ़ औरत लगती है ये। और ये ठीक है, लैंग्वेज अपना डेवलप कर रहे हो, इसको खुद को क्या आता है, अपने सीख ले पहले थ्री लैंग्वेज, बेवकूफ़ सी। आगे देखते हैं। द स्टेट, कभी इसके ऊपर अकेला वीडियो बनाया ना तो हंस हंस के लोग मर जाएंगे, इसीलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ। द स्टेट्स एजुकेशन पॉलिसी हैज़ रिजेक्टेड चेंजिंग द स्कूल स्ट्रक्चर टू अ 5+3+3+4 सिस्टम from the existing model because it advocates abolishing the class 10th board examination. The present structure of school education in West Bengal follows a 5+4+2+2 pattern. It is proposed that the same structure should continue to be followed in the state, the policy document stated. Another key recommendation is to introduce the semester system from class 8th in phased manner over the next 3 years. On higher education, the new policy recommends increasing gross enrollment ratio and sharing of resources between universities and colleges. Recommending earmarking 6% of GDP for education, the policy document urge the center to help the state government allocate a relative share of state GDP for education, since education is in concurrent list of the constitution. The state education policy is being envisaged for the next 13 years. देखते हैं हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है इस आर्टिकल में। तो सबसे पहले मैपिंग की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल से कौन कौन से इंडियन स्टेट्स प्लस फॉरेन स्टेट्स, यानी कि अलग फॉरेन कंट्रीज आपकी बॉर्डर शेयर करती है, ये पता होना चाहिए।
एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं किसी एग्जाम के एस्पिरेंट्स के अलावा भी बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, कौन कौन से उसके बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड स्टेट्स हैं। दूसरा, इनका एजुकेशन पॉलिसी आया है 2023, जिसमें ये बात कर रहे हैं थ्री लैंग्वेज। अब देखिए, थ्री लैंग्वेज में एक तो आपका बांग्ला है, दूसरा आपका हिंदी होगा, उसके बाद आपका इंग्लिश होगा। तो ये थ्री लैंग्वेज ये बात कर रहे हैं किसके लिए, फिफ्थ से 8th तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये एक चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए, थ्री लैंग्वेज फॉर क्लास 5th टू 8th, और स्ट्रेस ऑन मदर टंग ऑफ ए स्टूडेंट प्लस मदर टंग प्रमोट हो रहा है यहाँ पर। और बात रही ममता बनर्जी की, आप टोटली इग्नोर करिए, किसी काम का टॉपिक नहीं है ये, इसके ऊपर बात करना मजाक होगा क्योंकि आप अभी एग्ज़ाम की अगर बात कर रहे हैं तो। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मैं ये नहीं कह रहा पूरे डिटेल में पता होना चाहिए, पर एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए। अगर मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोई बोल रहा है 2020, तो बिल्कुल शांत नहीं रहना, पर वहाँ पे आप कुछ बोल पाओ, बस इतना कि आप एक पैराग्राफ तो बोल ही पाओ ये क्या है। और इसके बाद हमारे लिए इस आर्टिकल में ऐसा कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। हाँ, एक चीज़ है एजुकेशन, ये कंकरेंट लिस्ट में है, ये कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट से आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कौन से शेड्यूल में है, और कंकरेंट लिस्ट में ये कौन से नंबर पर है एजुकेशन, और कौन से शेड्यूल में ये पाया जाता है, और उसके साथ कंकरेंट लिस्ट के साथ और कौन कौन से लिस्ट पाए जाते हैं, क्या ये फेडरल फीचर बताते हैं। हाँ बिल्कुल बताते हैं, यहाँ पे प्रॉपर डिमार्केशन हुआ पड़ा है। तो वही चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट ने आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगी है क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो यही बात हो रही है यहाँ पे इस आर्टिकल में। हमारे लिए और कोई चीज़ ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं होती है। सो थैंक यू गाइस, देखो सब लोग एजुकेशन पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, आप लोग भी चेंज करो, एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।